रहस्यमय तरीके से लापता छात्र नजीब अहमद को तलाशने के लिए जेएनयू कैंपस में दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार को बाहरी पुलिस बल ने जेएनयू कैंपस में चप्पे चप्पे की तलाशी ली। डॉग स्क्वाड और माउंटेड पुलिस के साथ ही सुबह से लेकर शाम 5:30 बजे तक कैंपस के लगभग 60% हिस्से को खंगाला गया था, लेकिन ना तो नजीब मिला और ना ही उसके बारे में कोई सुराग हाथ लगा। आज पुलिस कैंपस के बाकी बचे हिस्से में तलाशी अभियान चला रही है। लगभग 600 की संख्या में पुलिस वाले खोजी कुत्तों के साथ हर जगह की तलाशी ले रहे हैं और इस दौरान पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी कैंपस में ही मौजूद हैं। इनमें डीसीपी के अलावा 12 एसीपी, 30 इंस्पेक्टर और 60 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। बात करते ठंड की, देश के अलग अलग हिस्सों में ठंड बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में पारा काफी नीचे गिर गया है। यहां श्रीनगर में डल लेक बर्फ में तब्दील हो गई है। वहीं राजौरी में कड़ाके की ठंड की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम आपको श्रीनगर और राजौरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, यहाँ पर किस तरह से पारा गिरते ही डल लेक जम गई है। दूसरी तस्वीर राजौरी की है, जहाँ लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं।